सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकें। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी बातें बताऊंगा जो हमें इन्फिनिटी वार के ट्रेलर में देखने को मिली। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एवेंजर इन्फिनिटी वार के ट्रेलर में हमने देखा कि थैनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिल चुका है जिसमें दो स्टोन लगे हुए थे। ट्रेलर में हमें दिखाया गया कि स्पेस स्टोन जो कि ट्रेसेरिक में था उसे लोकी थैनोस को देता है, मतलब कि पावर स्टोन थैनोस के पास पहले से था जिसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में गार्डियंस ने नोवा कॉर्प को दिया था। तो लगता है थैनोस ने नोवा कॉर्प के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया होगा, इसलिए गार्डियंस थैनोस को पकड़ने अर्थ पर आएंगे। नंबर टू, ट्रेलर में हम साफ देख सकते हैं कि थैनोस की टीम वकांडा में हमला कर रही है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि सोल स्टोन वकांडा में है जो कि मार्वल की किसी भी मूवी में हमें अभी तक देखने नहीं मिली है। तो इससे कंफर्म होता है कि सोल स्टोन वकांडा में है जो कि हमें ब्लैक पैंथर मूवी में जरूर देखने मिलेगा। नंबर थ्री, कैप्टन अमेरिका सिविल वार में हमने देखा कि आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका से उनका शील्ड ले लिया है और इन्फिनिटी वार के ट्रेलर में हमने ब्लैक पैंथर को यह बोलते सुना कि तो गाइस, ये थी वो बातें जो हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में नोटिस की।